सॉन्टी। हाँ भैया, अच्छा लास्ट टॉपिक है अपना, ठीक है भैया। और कुछ गारंटी मैं आप लोगों को देता हूँ, सारा टॉपिक इसमें कवर किया गया है, कुछ भी स्किप नहीं किया मैंने। दूसरी बात, अगर आप ये पीडीएफ जो मैं पढ़ाता हूँ वो अगर आपको अच्छा लगे तो आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हो, लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो सॉन्टी। हाँ भैया, दो ही टॉपिक हमें पढ़ना है समझा, तो सोएगा नहीं तुम, ठीक है भैया। आ जा, सबसे पहले है करंट स्टेटस ऑफ पीडीएस। हमारा पीडीएस जो है ना, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, पता है ना रे। हाँ भैया, लास्ट टाइम पढ़ाए तो थे। तो उसी के बारे में हम लोग को देखना है कि उसका स्टेटस क्या है अपना कंट्री में, समझा, मतलब कैसा चल रहा है वो, ठीक है भैया। देख ले, तो पीडीएस जो था ना, सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप था समझा, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप था गवर्नमेंट के द्वारा, टू इंश्योर फूड सिक्योरिटी, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप था। तो क्या हुआ कि कैसे कैसे इंपॉर्टेंट था बताओ तो भैया। वो जो है ना, सिर्फ वो लोग जो है सो, एक तो गरीब लोगों को अनाज सस्ते में भी देता था, और उनका गोदाम में ना बहुत सारा अनाज भी रहता था स्टॉक में, तो कभी अगर कुछ बाढ़ वाड़ आ गया तो फिर कोई दिक्कत नहीं होगा भैया। बहुत अच्छा से पढ़ा है ना रे। हाँ भैया। तो देख, अर्ली देर वॉज नो डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन पुअर एंड नॉन पुअर, मतलब जब पहले जब पीडीएस स्टार्ट हुआ था ना रे। हाँ भैया, उस टाइम पे कोई गरीब और अमीर वगैरह ऐसा कुछ नहीं था, सबको जो है सो एक ही रेट से जो है सो फूड सप्लाई होता था, समझा। हाँ भैया, तो उसके बाद क्या हुआ, तो इसको रिवाइज किया गया 1992 में। सोचा कि यार ये तो मतलब वेस्टेज हो रहा है ना, जिसको चाहिए भी नहीं उसको भी अगर तो अनाज देगा जो कि वो खुद से कमा सकते हैं, खुद से खा सकते हैं, तब तो फिर गवर्नमेंट का लॉस ही है। हाँ भैया, एकदम लॉस है। इसलिए क्या हुआ कि तो लोग 1992 में रिवाइज किया इसको, और एफिशिएंट बनाने के लिए समझा, और टारगेटेड बनाने के लिए, कि जिसको जरूरत है उसी को दे, समझा। हाँ भैया, तो आगे देख, तो इसीलिए आ गया आरपीडीएस। आरपीडीएस मतलब रीवैम्प, मतलब रिविजन किया गया और इम्प्रूव किया गया इसको, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को। इसको इंट्रोड्यूस किया गया 1700 ब्लॉक्स में, इन आवर कंट्री, पूरे कंट्री में 1700 ब्लॉक्स में इसको मतलब इम्प्लीमेंट किया गया, समझा। हाँ भैया, तो क्या हुआ कि टारगेट वॉज टू प्रमोट बेनिफिट टू रिमोट एंड बैकवर्ड एरियाज, मतलब जो इस एसेस नहीं कर पाते, जिनको नहीं मिल पाता फूड वगैरह, और गरीब भी है वो लोग, उनको ये लोग टारगेट किए थे, और ये 1700 ब्लॉक्स में ये लोग डायरेक्ट इंप्लीमेंट किए थे, समझा, इसको याद रखना, ठीक है भैया। उसके बाद देख, तो क्या हुआ कि जून 1997 में क्या हुआ कि रीन्यू किया गया पीडीएस को, टीडीपीएस इसका नाम रखा गया, इसका है टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। इसको इंट्रोड्यूस किया गया, क्यों इंट्रोड्यूस किया गया, टू टारगेट ऑल पुअर इन ऑल एरियाज, जितने भी गरीब थे ना सारे एरियाज में सबको टारगेट करने के लिए एक नया सिस्टम फिर से 1997 में इंट्रोड्यूस किया गया, टीपीडीएस, समझा। टी मतलब यहाँ पे है टारगेट, पीडीएस मतलब पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, याद रखेगा। हाँ भैया, आगे चल, फिर इसको फिर से क्या किया गया 2000 में, ईयर 2000 में फिर से दो नया स्कीम लाया गया, और AAY और APS। AAY मतलब अंत्योदया अन्ना योजना, और एक है APS मतलब अन्नपूर्णा स्कीम, समझा। तो दोनों में क्या है कि देख, AAY क्यों था, पुअरेस्ट ऑफ द पुअर, जो मतलब बहुत ज्यादा गरीब है, मतलब BPL कैटेगरी के लोग, बिलो पॉवर्टी लाइन वाले। और अन्नपूर्णा स्कीम किस लिए लाया गया था, इंडिजेंट, इंडिजेंट मतलब होता है पुअर, पुअर सीनियर सिटीजन जो है ना, जो मतलब जो अपने सीनियर सिटीजन है ना, और वो जो गरीब भी है उनके लिए ये वाला स्कीम आया था, और जो बहुत गरीब था उनके लिए AAY आया था, समझा। दो स्कीम याद रखेगा, कौन कौन सा था पता, AAY भैया और APS, हाँ दोनों याद रखेगा। उसके बाद क्या हुआ, हाईवर जो है सो पीडीएस बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म फेस किया, बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म, चलो देखते हैं भाई क्रिटिसिज्म क्या है, ठीक है। नंबर ए में क्या है, इंस्टेंस ऑफ हंगर आर प्रिविलेंट, मतलब बेचारा इतना मेहनत किया गवर्नमेंट लोग, तब भी आज भी गरीबी है, आज भी हंगर है, आज भी लोग भूखे सोते हैं, भूखे मर रहे हैं आज भी लोग, समझा। तो पीडीएस का हम कुछ खास फायदा नहीं देख रहे हैं, मतलब फायदा है लेकिन 100% एफिशिएंट नहीं है, समझा। हाँ भैया, दूसरा दूसरा देख, जो FCI है ना रे। हाँ भैया, उसका जो गोडाउन है वो ओवरफ्लोइंग विद ग्रेन्स, मतलब बहुत सारा अनाज वहाँ पे है, विथ सम रॉटिंग अवे एंड सम बींग ईटन बाय रैट्स, कुछ सड़ जा रहा है, कुछ चूहे लोग मजे से खा रहे हैं, इतना ज्यादा है कि चूहे लोग दबा के खा रहे हैं, समझा भैया, तो गलत है वही तो। और जो देख 2012 में क्या हुआ, स्टॉक जो है वो जो है ना, स्टॉक जो है और वीट राइस का जो स्टॉक है वो 82 मिलियन टन्स था, और हम लोग को चाहिए कितना था, हम लोग को बस इतना चाहिए था, 33 मिलियन टन्स भी चाह रहा था ना, तब भी बहुत था इंडिया के पास, लेकिन इतना ज्यादा था, मतलब सोच कितना बर्बादी हो रहा है अनाज का, बहुत ज्यादा हो रहा है, इसको याद रखना, ठीक है भैया।
लॉट ऑफ वेस्टेज हो रहा था और हाई कैरिंग कॉस्ट, मतलब सबको जाके खरीदता है गवर्नमेंट, वहाँ से जाके ला के रखता है, तो बहुत ज़्यादा वहाँ पे भी खर्चा होता है, तो बहुत ज़्यादा वेस्टेज हो रहा था। वेस्टेज तो हो ही रहा था अनाज का, प्लस बहुत ज़्यादा पैसा भी बर्बाद हो रहा था। और दूसरी बात एक और क्या हुआ कि द इंक्रीज्ड फूड ग्रेन्स प्रोक्योरमेंट, मतलब क्या हुआ ना कि देख, एट इनहैंस MPS MSP मिनिमम सपोर्ट प्राइस, तूने लास्ट वीडियो में मिनिमम सपोर्ट प्राइस पढ़ा था? हाँ भैया, तो देख उसी में क्या हुआ कि एक बार अगर मिनिमम सपोर्ट प्राइस मान ले कि 30 रुपये चला गया है, ठीक है, एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ बस, अगर मान ले कि एक बार मिनिमम सपोर्ट प्राइस किसान लोग को 30 रुपये दिया गया है, अगला बार अगर गवर्नमेंट बोलेगा कि भैया मेरे पास स्टॉक बहुत सारा पड़ा हुआ है, हम जो है सो इस बार मिनिमम सपोर्ट प्राइस मेरा 20 रुपये रहेगा, तो तुमको क्या लगता है किसान लोग खुश हो जाएगा? नहीं भैया, खुश तो नहीं होगा भैया, 30 रुपये में बेचा था पिछले साल, इस बार 20 रुपये में क्यों बेचेगा? हाँ वही तो इससे क्या हुआ कि एक बार, अच्छा एक और एग्जांपल देता हूँ मैं, देख गवर्नमेंट लोग पहले 70 रुपये लीटर पेट्रोल दे देते, पेट्रोल दे रहे हैं, समझा? अब क्या हुआ कि वर्ल्ड मार्केट में वहाँ पे कर्ड ऑयल का दाम घट गया, लेकिन क्या तुमको लगता है गवर्नमेंट 70 रुपये से 35 रुपये लीटर कर देगा? नहीं करेगा, गवर्नमेंट जानता है कि लोग 70 रुपये खरीद रहे हैं, तो क्यों हम घटाएं उसको? ऐसे किसान लोग भी तो चलाक है, वो लोग जानता है कि जो है सो गवर्नमेंट जो है सो 30 रुपये हमको मिनिमम सपोर्ट प्राइस दे रहा है, तो हम लोग 20 रुपये थोड़े ना लेने वाले हैं, हम लोग 30 से ज़्यादा ही लेंगे, लेकिन 30 ही लेंगे लेकिन उससे ज़्यादा ही लेंगे, लेकिन कम तो नहीं लेने वाले, समझा? तो इसीलिए क्या हुआ कि प्रेशर एग्जर्ट करने लगा कुछ जो किसान लोग जो बेचते थे ना गवर्नमेंट को। हाँ, कौन कौन बेचता था, कौन कौन किसान? पंजाब का, हरियाणा का, आंध्र प्रदेश का, ये सब किसान जो है ना वो प्रेशर डालने लगे गवर्नमेंट के कि भैया हम लोग मिनिमम सपोर्ट प्राइस इतना लेंगे, इससे कम में हम लोग आपको अनाज नहीं देने वाले, समझा? तो ये सब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम ये सबसे होने लगा। उसके बाद क्या हुआ कि इंटेंस यूज ऑफ वाटर, क्योंकि उन लोग को पता था कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस गवर्नमेंट दे रहा है, हम लोग का अनाज तो पक्का बिकने ही वाला है, तो उन लोग चाहते थे कि कितना ज़्यादा फायदा हम लोग उठाएं। तो इससे क्या हुआ कि बहुत ज़्यादा पानी ये लोग यूज़ किए फॉर द प्रोडक्शन ऑफ राइस, जो चावल है उसके लिए, और वाटर लेवल जो है ना ग्राउंड वाटर लेवल वो पूरा नीचे चला गया, समझा? भैया फ्यूचर के लिए तो दिक्कत है। हाँ भाई, यही सब प्रॉब्लम्स है, समझा? और PDS का और कहना रहे कि देख, एवरेज कंजम्पशन अगर हम देखें ना, तो ऑल इंडिया में एवरेज कंजम्पशन जो है वो 1 kg पर पर्सन है, पर मंथ, एक महीना में एक आदमी 1 किलो जो है सो अनाज खाता है पूरा मंथ में। ये हमको समझ में नहीं आया कैसे गवर्नमेंट लोग ये निकाला, लेकिन ऐसा है, समझा? इसको याद रखेगा तुम, ठीक है भैया। और बिहार, UP ये सब जगह में ना सिर्फ 300 ग्राम है, इतना ही चावल खाता है, 300 ग्राम ही पूरा मंथ में खाता है आदमी लोग, समझा? भैया ये गलत लग रहा है, नहीं गलत नहीं है, किताब में NCERT दिया हुआ है, गलत नहीं होता, समझा? ठीक है भैया, आगे देख। तो क्या है कि केरला, कर्नाटका और तमिलनाडु और हिमाचल प्रदेश, मतलब स्पेशली साउथ वगैरह का जगह में ना लोग जो है सो 3 से 4 किलो पर पर्सन खाते हैं पर मंथ। जहाँ बिहार यूपी में कितना खाते थे रे भैया, 300 ग्राम, यहाँ 3 से 4 किलो पर पर्सन पर मंथ खाता है, सो समझा? इससे हमें समझ में क्या आया भैया, समझ में ये आया कि पूरा देश में सब अलग अलग तरह के लोग रहते हैं हर स्टेट में, और अलग अलग क्वांटिटी में चावल खाते हैं भैया। तो इससे क्या होगा, इससे क्या हुआ कि रिजल्ट क्या हुआ कि पुअर हैव टू डिपेंड ऑन मार्केट रैदर देन राशन शॉप। मान ली कि जो साउथ वाला जो है सो वो ज़्यादा चावल खाता है, समझा? तो अब इन लोग को ज़्यादा चावल गवर्नमेंट दे नहीं रहा, गवर्नमेंट जो है सो नेशनल का एक निकाल दिया कि सब लोग जो है सो 1 किलो चावल ही खाते हैं, और पूरा इंडिया में 1 किलो चावल ही बांट रहा है, समझा? तो इससे क्या हुआ कि जो ज़्यादा चावल खाते हैं वो लोग को मार्केट का जो ये है उस पर डिपेंड करना पड़ेगा अपना चावल खरीदने के लिए। हाँ भैया, तो एक लिमिटेशन हो गया, समझा? उसके बाद क्या हुआ कि PDS डीलर जो था ना, जो डीलर लोग होते हैं वो लोग क्या किया कि अपना ग्रेन्स जो है ना वो मार्केट में डायरेक्टली बेचने लगे, आदमी लोग को नहीं देते थे, क्योंकि गवर्नमेंट उन लोगों को सस्ता देता है ना, तो वो लोग जाके मार्केट में महंगा बेच देते थे और बहुत ज़्यादा फायदा उठाते थे, समझा भैया? उसके बाद समटाइम क्या हुआ कि पुअर क्वांटिटी ऑफ ग्रेन्स देते थे, मतलब सड़ा सड़ा अनाज जाके दे दिए, मतलब गरीब लोगों को। इरेगुलर ओपनिंग ऑफ शॉप्स, मतलब कोई अगर दादा और डॉन टॉन टाइप का आदमी अगर डीलर है तो उन घंटा लोग दुकान ही नहीं खोलेगा, बोले कि जो करना है कर लो, समझा भैया? ये तो दादागिरी है भैया। हाँ, तो तुम क्या करता उस टाइम? कुछ नहीं भैया, हम क्या बोलेंगे। हाँ वही, तो क्या हुआ कि एनी फैमिली अबव पॉवर्टी लाइन जो है, जो पॉवर्टी लाइन के ऊपर है भी, वो भी अगर उसके पास कार्ड है तब भी जाके खरीद सकता है अनाज, समझा? आराम से ले सकता है, कोई दिक्कत नहीं है भैया, ये भी गलत है। वही तो, उसके बाद देख, तो हम लोग का अब लास्ट टॉपिक है रोल ऑफ कॉपरेटिव्स। कॉपरेटिव का क्या रोल है फूड सिक्योरिटी में, समझा? देखते हैं, कॉपरेटिव जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है फूड सिक्योरिटी में, स्पेशली साउथ और वेस्टर्न स्टेट में, समझा भैया? कैसे भैया, रुक जा दिखाते हैं, देख यहाँ पे।
आउट ऑफ ऑल द फेयर शॉप्स, जो फेयर शॉप किसको बोलते हैं रे भैया, वही राशन दुकान को बोलते होंगे, हाँ उसी को। तमिलनाडु में जितना भी राशन दुकान है ना रे, उसमें 94% जो है वो कॉपरेटिव लोग चलाते हैं, समझा? कॉपरेटिव लोग ही 94% राशन चलाते हैं। सोच के तो अच्छा काम कर रहे हैं वो लोग भैया, ये तो बहुत अच्छा है, 94% तो बहुत ज़्यादा है भैया। और दिल्ली में जो है ना रे, जो मदर डेयरी का मिल्क आता है ना, मदर डेयरी वाला, और वेजिटेबल्स वगैरह, ये सब सब जो है सो दिल्ली गवर्नमेंट रेट कंट्रोल करती है। लोग जो है सो मतलब अगर कंपनी अपना रेट बहुत ऊपर नहीं ले जा सकता, दिल्ली गवर्नमेंट इसको कंट्रोल करती है ताकि हर आदमी को मिले, हर गरीब वाला, मतलब हर गरीब वाला एसेस कर सके दूध वेजिटेबल ये सब, समझा? हाँ भैया। उसके बाद देख, अमूल जो है अनदर एग्जाम्पल है, अमूल जो बहुत बड़ा रोल प्ले किया है इसने जो है ना, ये वाइट रिवॉल्यूशन लाया है इसने, वाइट रिवॉल्यूशन मतलब एकदम बहुत ज़्यादा इसने, स्पेशली गुजरात वगैरह में इसने बहुत ज़्यादा हेल्प किया है। और इनमें मतलब अपना जो प्राइस है ना, ये एकदम नॉर्मल रखता है, ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा चढ़ा के रखता है, समझा? ताकि हर कोई इसको एसेस कर सके, हर कोई को हासिल हो सके जो वो चाहता है। सो मतलब एग्जाम्पल दूध वगैरह जो भी वो अमूल जो जो भी प्रोड्यूस करता है, समझा रहे? और जो है ना, सिमिलरली ना, बहुत सारे कॉपरेटिव्स इंश्योर करते हैं फूड सिक्योरिटी इन डिफरेंट सेक्शन ऑफ सोसाइटी। हर अलग अलग सेक्शन में अलग अलग कॉपरेटिव चल रहा है, वो लोग अपना मतलब सब कोई को सब चीज़ मिले, इसीलिए वो लोग अपना काम कर रहे हैं। एक और एग्जांपल देख ले, महाराष्ट्र में जो है वो एकेडमी ऑफ डेवलपमेंट, एकेडमी ऑफ डेवलपमेंट साइंस, जिसको हम प्यार से ADS भी बोलते हैं, ये लोग क्या किए हैं, ये लोग फैसिलिटेट किए एक नेटवर्क जो कि NGO है, समझा? और वो क्या करता है, ये ग्रेन्स देता है, सेटअप ग्रेन्स बैंक इन डिफरेंट रीजन, जहाँ जहाँ पे PDS वाला अगर नहीं है तो वहाँ पे ये लोग अपना ग्रेन का मतलब बैंक्स खोल रहा है, मतलब वहाँ पे फूड ये लोग ग्रेन सप्लाई करता है डिफरेंट डिफरेंट रीजन्स में, समझा? हाँ भैया। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब कर दें, और अदर वीडियो जो आपको मिल जाएगा, क्लास 10 का सारा मिल जाएगा, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, सिविक्स, क्लास 9 का भी, इकोनॉमिक्स, सब चीज़ आपको मिल जाएगा। थैंक यू। ये क्या बना रहे हो तुम भैया? मोच है भैया, तेरा मोच आया है? हाँ भैया आ गया, चल ठीक है।